नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। इतना ही नहीं, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार भी समय समय पर कई सारे काम करती आई है। इसी कड़ी में अब बिहार सरकार ने अन्य देशों की तरह ही जापान और चीन से भी पर्यटकों को बिहार की तरफ आकर्षित करने को लेकर अपने कदम बढ़ाए हैं। इसी क्रम में पर्यटन केंद्रों के निरीक्षण के बाद पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने अपना बयान जारी करते हुए बताया है कि गया एयरपोर्ट पर रनवे का विस्तार किए जाने की तैयारी हो रही है। वर्तमान समय की बात करें तो अभी इसका रनवे 7,500 फीट है, जिसको बढ़ाकर 9,500 फीट करने की योजना बनाई जा रही है। रनवे को बढ़ाने का उद्देश्य केवल यही है कि बड़ा रनवे होने पर जापान चीन से आने वाले पर्यटक सीधे गया एयरपोर्ट पर विमान से उतर सकेंगे। सुविधा होने के कारण पर्यटकों को भी काफी सहूलियत मिलेगी और बिहार सरकार की जो पर्यटन को बढ़ावा देने की मंशा है उसे भी बल मिलेगा। इससे गया और बोधगया में आने वाले पर्यटकों की संख्या भी बढ़ जाएगी, साथ ही पर्यटन के दरवाजे बिहार में खुल जाएंगे। हालांकि सरकार भी इस योजना को लेकर काफी गंभीर है। पर्यटन मंत्री की माने तो पर्यटकों के लिए बोधगया में 145 करोड़ रुपए से बन रहे कन्वेंशन हॉल का निरीक्षण कर लिया गया है और अफसरों को भी दिशा निर्देश दे दिया गया है। दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार दो हॉल होंगे, जिसमें एक की क्षमता तो 2000 यात्रियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जबकि दूसरे को 500 लोगों की क्षमता को देखकर बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, गया के पर्यटन सूचना केंद्र के जीर्णोद्धार पर 94 लाख रुपए खर्च कर इसे भी आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। इसको लेकर पर्यटन मंत्री ने गया में प्रेस वार्ता में बताया कि गया एयरपोर्ट के पास मात्र 750 फीट रनवे है, इसलिए इसका विस्तार करने के लिए भूमि अधिग्रहण करने की जरूरत है। पर्यटन की दृष्टि से देखें तो पहले 9,500 फीट रनवे का प्रारूप तैयार किया गया था, लेकिन वो भी कम पड़ रहा था, इसीलिए 12,000 रनिंग फीट जमीन की जरूरत होगी, जिसके प्रारूप को जल्द से जल्द तैयार करने की योजना के साथ काम हो रहा है। इसका प्रस्ताव केंद्र के पास भी भेज दिया गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो राजकीय अतिथियों के लिए गया में उच्च स्तरीय अतिथि शाला का निर्माण भी किया जाएगा। इस पर 136 करोड़ की राशि खर्च होगी। इसमें 100 बेड की व्यवस्था भी होगी। इसके अलावा गया के होटल विष्णु विहार, होटल सिद्धार्थ विहार, होटल बुद्ध विहार और होटल सुजाता विहार के रेस्टोरेंट को भी पर्यटकों के लिए अपडेट किया जाएगा। मंत्री ने सीता कुंड के विकास के लिए भी जिला प्रशासन को योजना बनाने का निर्देश दिया। पर्यटन मंत्री ने कहा कि जितनी भूमि की जरूरत है उसके लिए 400 भू मालिकों की भूमि अधिग्रहण कर लिया गया है। कुछ भू मालिकों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। जल्द ही राज्य सरकार अपना पक्ष रखकर भूमि अधिग्रहण करने का काम पूरा कर लेगी। मंत्री ने इस बाबत कहा है कि गया एयरपोर्ट को जब अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हो जाएगा तो बौद्ध सर्किट से जुड़े सभी देशों के इंटरनेशनल विमान का आवागमन भी शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।